फिटनेस का एफ और फिटनेस का हिंदी में फा, तो सब कुछ शुरुआत पैसे से ही है। जिम जाना है पैसे चाहिए, सप्लीमेंट लाना है पैसे चाहिए, उसके लिए डाइट लेनी है पैसे चाहिए, हर चीज के लिए पैसे चाहिए। और अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, भगवान करे जल्दी खुल जाए, 3 तारीख का तो कह रहे हैं खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आएगी पैसे की, क्योंकि घर वालों से मांगोगे तो घर वालों के पास भी नहीं है, क्योंकि जो सेविंग्स थी वो सबकी लग चुकी हैं, तो बहुत पंगा आने वाला है। तो मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, आपकी कोई लागत लगेगी नहीं, आपकी लाइफ के सिर्फ 1 घंटा लगेगा, उसमें आप घर में बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। कोई जन मेरे से पूछते हो इतनी महंगी मोटरसाइकिल लाते हो, इतना सब कुछ करते हो, ये करते हो वो करते हो, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो सारा मैं समझाऊंगा। नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे दोस्तों। मैं आपका अपना अमित पंखाल आपके पंखाल फिटनेस में। तो थंबनेल आप देख चुके हैं, बहाना नहीं चलेगा। घर पे वर्कआउट करें, जिम पे वर्कआउट करें, इतना कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। मतलब घर पे आते हो तो छोड़ दिया कि घर पे क्या वर्कआउट करना। भाई घर पे भी बहुत शोर पड़ता है जब आप वर्कआउट करते हैं। देखिए फिट होना है, बॉडी को सिर्फ एक चीज समझ आती है, आपने वर्कआउट किया हाँ या ना, डाइट ली हाँ या ना, उसे ये समझ आता आपने जिम में किया नहीं किया। अब सबसे मेन बात, वीडियोज आपने बहुत सारी देखी है यूट्यूब पे, सब होम वर्कआउट बहुत सारी वीडियो है, लेकिन मेन पंगा ये ना तो इक्विपमेंट्स है, तो करें क्या, क्यों? पहले इसकी बात करते हैं, फिर आपकी डाइट की बात करेंगे। तो बात करते हैं आपकी वर्कआउट की। तो देखिए सिंपल सा फंडा है वर्कआउट के, कुछ जैसे क्या, चेस्ट का वर्कआउट है, ठीक है, तो हम पुशअप्स कर सकते हैं, सिर्फ पुशअप्स कर सकते हैं वर्कआउट में। तो करना क्या है, जिम में हम जाते हैं, चेस्ट वाले दिन हम कितने एक्सरसाइज करते हैं, 4, कोई 4 करता है, कोई 5 करता है, कितने सेट करते हैं, 4, तो उतने ही सेट पुशअप कर लें, पुशअप्स को उतने ही सेट कर लें, समझ रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 4 20 सेट हो गए, ठीक है, 4 सेट 5 एक्सरसाइज 20 सेट हो गए टोटल। तो 20 सेट करने रुक रुक के पूरा चेस्ट का वर्कआउट हो गया। जब करेंगे ना तब कमेंट में बताना कितना जोर पड़ा, जैसे कि बाइसेप्स है, ठीक है, बाइसेप्स सबकी फेवरेट है बाइसेप्स, तो किसी ने बैग से कर रहा है, कोई रोड लगा के सिलेंडर से कर रहा है, कोई बाल्टियों से कर रहा है, ठीक है, डन, बढ़िया, बहुत अच्छा है, लेकिन करना कैसा, बाइसेप्स के हम करते हैं जिम में 4 एक्सरसाइज सेट, 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, तो 16 सेट हो गए, तो उसी से 16 सेट कर ले, जितने आप रेपिटेशन कर रहे हैं 10 रेपिटेशन के, एक सेट करा फिर रुक गए, दूसरा सेट करा फिर रुक गए, तो ऐसे 16 सेट कर ले, बाइसेप्स का वर्कआउट पूरा हो गया। अब बात करते हैं हम शोल्डर की, शोल्डर में भी हमारे पास कोई एक ऑप्शन बनता है, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज लगा लें, आपके पास कोई भी चीज है उससे आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो, तो शोल्डर में वैसे करना है। बात करते हैं ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स में भी किसी के पास बैड है, बेंच है, ट्राइसेप्स डिप्स हो गई या आपकी डायमंड पुशअप्स हो गई, तो उसके भी कितने सेट करने हैं, जैसे ट्राइसेप्स की मैं 3 एक्सरसाइज करता हूँ, 4, 4, 4, तो 12 सेट हो गए, तो 12 सेट उसी एक्सरसाइज का कर लो जो घर पे आपके पास ऑप्शन है, तो पूरा वर्कआउट हो गया। तो ऐसे आपको फॉलो करना है वर्कआउट, और वर्कआउट डेली करना है, ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब मेन पंगा आता है डाइट का, कि भाई घर वाले और बाहर भी अंडे चिकन नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अगर अंडे चिकन नहीं मिल रहे तो इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सप्लीमेंट मेरा भी खत्म हो रखा है, लॉकडाउन में सप्लीमेंट भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ ये रेड जोन में एरिया, तो यहाँ डिलीवरी भी नहीं आ रही अभी, ठीक है ना, शायद 3 तारीख को हो जाए आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अपनी डाइट पूरी करता हूँ। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके अंकुरित चने, होता है आपके इन अंकुरित चनों में, और कई मेरे भाई कहते हैं कि अंकुरित चने कैसे होते हैं, तो रात को काले चने भिगो दें, सुबह तक वो फूल जाएंगे, उनको पानी निकाल दें और एक दिन के लिए उन्हें रख दें, ये 2 दिन के हैं, तो एक दिन उन्हें रख दें, थोड़ा प्रोसेस, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, देखो संघर्ष तो जिंदगी का जीव, मतलब जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, तो एक दिन बाद आपके अंकुरित चने हो जाएंगे, और एक कटोरी आपको 30 ग्राम प्रोटीन देगी, तो 2 टाइम भी लोगे तो 60 ग्राम प्रोटीन हो गया आपकी रिकवरी के लिए, जब आप अपना वर्कआउट करो उसके बाद खाएं अपना चबा चबा गया, ठीक है, दूध मिल रहा है लॉकडाउन में, दूध पी लें, दही भी मिल रही है, चावल और जितनी दालें आपके घर में, दाल है, राजमा है, सब प्रोटीन है, सब प्रोटीन का सोर्स है भाई, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, फिर मेरी तो बॉडी होनी नहीं चाहिए, क्यों, अंडे चिकन तो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप वर्कआउट करें, अपनी डाइट पूरी करें, अंकुरित चनों से करें, अपने दाल, राजमा, सोयाबीन की बड़ी, काफी सारे ऑप्शन है, दूध भी आता है, दूध पी लें, क्यों, देखिए हर चीज ना, दिमाग सबसे बलवान दुनिया में दिमाग है, तो इसको बोलो
कि वर्कआउट करेंगे और हमें रिजल्ट आएगा, तो आप में रिजल्ट आएगा, पूरे जोश में रहा करो, दिल ना पड़ा करो। ये तो भाई वो बात है, उसकी लीला कोई नहीं समझ सकता, कोई बात नहीं, सब मिलके लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा, सब मतलब एकता दिख रही पूरे भारत में, लेकिन जैसे हालात हो ना इंसान उसी में एडजस्ट कर ले तो वो दमदार कहलाता है। क्यों? मेरा तो ना प्रोटीन खत्म हो गया, लॉकडाउन चल रहा है, मैगी खाऊंगा, तो भाई मैगी खाओ, मैगी जैसे हो जाओगे देख लो। क्यों? माने मेरा भी करता है, हम सबका करता है, लेकिन ठीक है कभी कभार खा लेता हूँ मैं भी, आप भी खा लो कभी कभार, लेकिन जैसा खावा वैसा हुआ मन और वैसा दिखा तन। क्यों? तो हेल्दी खाओगे, हेल्दी दिखोगे, हेल्दी विचार रहेंगे, अच्छी चीजें खाया करो। ठीक है, कभी कभी आपका मन खर गया, कभी तला खा लिया, कभी कभार, कभी कभार, समझ रहे हो? लेकिन अब वो एक कहानी है कि मुझे अच्छा भी दिखना है, मैं तला भी खाऊंगा, नहीं हो सकता, एक ही चीज हो सकती है भाई, या तो इसके मजे ले लो ठीक है, या कोई मुड़ के देखे तगड़ा भाई लड़का, या इसके मजे ले लो। तो कहते हैं हमारे हरियाणा में कहते चट्ठे, या तो चट्ठे खा लो ठीक है, या बॉडी अच्छी बना लो, तो मैं से एक चीज होंगी दोस्तों। और मेरे से कई जने कहते हैं कि भाई फिटनेस अच्छी करनी, बॉडी बिल्डिंग करनी, तो भाई देखो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसे मैं समझा रहा हूं, एफ फिटनेस का एफ और हिंदी में फा, पैसे से शुरू होता है, पैसे से, सच है ये बात, जिम जाने के लिए पैसा, बॉडी बनाने के लिए पैसा, सीमेंट लाना है पैसे चाहिए, उसके लिए डाइट लेनी है पैसे चाहिए, हर चीज के लिए पैसे चाहिए। और अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, भगवान करे जल्दी खुल जाए, 3 तारीख को तो कह रहे हैं खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आएगी पैसे की, क्योंकि घर वालों से मांगोगे तो घर वालों के पास भी नहीं है, क्योंकि जो सेविंग्स थी वो सबकी लग चुकी हैं, तो बहुत पंगा आने वाला है। तो मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, आपकी कोई लागत लगेगी नहीं, आपकी लाइफ के सिर्फ 1 घंटा लगेगा, उसमें आप घर में बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। कोई जन मेरे से पूछते हो इतनी महंगी मोटरसाइकिल लाते हो, इतना सब कुछ करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो सारा मैं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत मैसेज आए मेरे को कि जो आपका मन करता है वो चीजें ले आते हो, तो पूरा ढंग से समझाऊंगा, उस वीडियो को ध्यान से देखना, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी। कुछ नहीं, आपके लाइफ का सिर्फ 1 घंटा लगेगा, सिर्फ डेली का 1 घंटा, भाई इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब वही बात है, दुनिया में मतलब वो सुना ना, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, तो ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, जब काम करेगा जब ही नाम होगा, जब ही तेरी जेब में दाम होगा, क्योंकि बैठने से सिर्फ सपने ले सकता है इंसान, सोने से सिर्फ बेड तोड़ सकता है इंसान, मेहनत करने से कोई हासिल होता है कुछ। अब बॉडी, दुनिया की सबसे अच्छी बॉडी बना ली आपने, सबसे अच्छी ठीक है, पैसे खत्म हो गए, तो बॉडी भी ना 1 महीने में खत्म हो जाएगी, क्योंकि बॉडी भी जब भी वो बड़े बूढ़े कहावत है हरियाणा में, भाई छोरा तगड़ा है, मजे आपको कैसे पता, कह रहा भाई तगड़ा है मतलब उसके घर में 2 दाने हैं, मतलब इनका पीछे से बैकग्राउंड ठीक है, मैं कैसे पता ये बात, कह रहा भाई जब भी तो तगड़ा है, तो मतलब समझ रहे ना, अगर उसके घर में दाने नहीं होते तो टेंशन से वैसे ही कमजोर हो जाता, तो सच बात है, टेंशन मत लिया करो, टेंशन से कुछ होना ही नहीं है भाई। कभी गाना सुना था मैंने, मैं तो उसी को जब भी टेंशन थोड़ी सी आती तो उसी सुन लेता हूँ, पता कौन सा था है? मैं फिक्र को हवा में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, और मेहनत करते रहो। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, जय हिंद जय भारत।